सिवान नगर परिषद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। द्वितीय चरण के तहत सिवान नगर परिषद के चुनाव होंगे, जिसकी नामांकन की तिथि 16 सितंबर से 24 सितंबर तक है। स्क्रूटनी 25 और 26 सितंबर को होगी और नाम वापसी की 27 सितंबर से 19 सितंबर तक होगी। द्वितीय चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा, जबकि उसकी मतगणना 22 अक्टूबर को होगी। वही सिवान शहर का नगर सभापति और उपसभापति का सीट महिला और दीपिक्षा के लिए आरक्षित हो गया है, जिसको लेकर सभी नेता अपनी अपनी पत्नी भाभी को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। वहीं आज सुबह सोहन ने अपनी पत्नी रीता देवी को चुनाव मैदान में नगर सभापति पद के लिए उतार दिया है, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह चौहान ने अपने आवास पर किया। और क्या कुछ बड़ा खुलासा किया, तो सुनिए सुबह चौहान ने क्या कुछ कहा। सभापति का चुनाव हम लोग, हमारे पत्नी नया किला नवलपुर से लगभग 2007 से लगातार पार्षद रही हैं और विकास कार्य शहर में सबसे ज़्यादा हमारे एरिया में हुआ है। दो विवाह भवन, दो छठ घाट और एक एक नाला रोड हम लोग बनवा दिए हैं। अब हम लोग नगर सभापति के चुनाव की तैयारी का घोषणा कर रहे हैं और अति पिछड़ा रिजर्व सीट हो गया है। हम लोग को हम अपील करेंगे सिवान के हमारे सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों से कि आप लोग एक साफ़ सुथरा छवि वाले ही व्यक्ति को चेयरमैन का प्रत्याशी चुने। और आप लोगों को कुछ पूछना है तो बड़ी सकते बड़ी हैं। लोग चुनावी मैदान में हैं, दिग्गज लोग, फिर लड़ाई कैसे रहेगी? पब्लिक जानती है कि हम लोग सबसे पहले आज से 25 साल पहले से हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। बहुत लोग आए कि जब पार्टी का जब सरकार आता है तो आगे आगे घूमता है, लेकिन कोई बीजेपी का झंडा नहीं लेके घूमता था। उस समय हम नगर के उपाध्यक्ष रहा करते थे राजद के समय में, और पुराने समय में अगर आज के दौर में कैंडिडेट में अगर देखिएगा तो सबसे पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के आज वर्तमान में हम जिला मंत्री भी हैं। बीजेपी से नगर परिषद के सभापति से इससे क्या मतलब है? बीजेपी के और भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में, बीजेपी के जो नेता हैं अनुराधा गुप्ता, बबलू साहब, वो लोग भी चुनावी मैदान में। सबको एक एक बार मौका पार्टी ने दे दिया, हमें आज तक मौका नहीं दिया है बीजेपी। और कहीं ना कहीं कोई भी चुनाव होता है न किसी दल का समर्थन होता है। सुभाष जी, पिछले 25 सालों से बता रहे हैं आप बीजेपी के साथ हैं, क्या इसके एडवांटेज आपको सिवान में भाजपा से मिलेगा? पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता, नेता और जनता हमारे साथ रहेंगे। सिवान शहर में हर मोहल्ले, हर गली में हम लोग जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, हर लोगों का काम करते हैं और करते आ रहे हैं। सभापति ऐसे भी लोग हैं सुभाष जी जो कि बीजेपी से रहे हैं और वो चुनाव भी लड़ना, चुनावी मैदान पार्टी की बात करें, बीजेपी आपको क्यों सपोर्ट करेगी? बीजेपी आपको सपोर्ट करेगी? और भी तो कई सारे लोग चुनाव, हाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बीजेपी सबको एक मौका दे चुकी है, हम अभी तक वंचित हैं। बीजेपी हमें कोई प्रत्याशी आज तक किसी पार्टी का नहीं बनाया। हम लोग 15 वर्ष है, ना कभी डिप्टी चेयरमैन के लिए प्रत्याशी बनाया, ना चेयरमैन के लिए बनाया। आपको आज तक आपको लगता है कि बीजेपी आपको मौका देगी तो बीजेपी के कोई बड़ी अधिकारी आपकी घोषणा करेंगे? उम्मीद है कि आजकल हम लोग को बैठक होने वाला है, कुछ ना कुछ घोषणा होगा। पैसा का तो खेल होगा इस बार? पैसा का चुनाव अब खत्म हो गया भैया, वार्ड काउंसलर थोड़े हैं कि 20 वार्ड काउंसलर दलाली कर करके खरीद लीजिए या चेयरमैन बन जाइए। अब जनता को चुनाव नगर सभापति मिलता होगा? हम लोग बिना पैसा का निःशुल्क हमेशा वोट दिए हैं। जब से आप वार्ड चुनाव लड़े हैं यहाँ विवाद होते रहा, ऐसे में नगर सभापति का उम्मीदवार के तौर पर उतरिए, क्या माना जाए विवाद की इस बार? क्योंकि आप विवाद में हमेशा विवाद हुआ है चुनाव में। चुनाव में विवाद होता है, कुछ लोग है, लेकिन इस बार जो लोगों को, जितने लोगों का जो हमसे उम्मीद था, लगभग 8 करोड़ का नाला रोड पीसीसी हमने बनवाया है, आशी नगर अप टू डेट ढलाई हो गया,
आगू छपरा में सामुदायिक भवन बन रहा है, इसलिए हम तो सारे वर्ग के लोग इस बार खुश हैं। अगर आपको जनता जनता अगर आपको मौका देती है तो किस तरह का आप पहली प्राथमिकता देंगे? पहले सर ऐसे गांव है जिसको पहली बार ये नगर परिषद में जोड़ा गया है, उन गांवों के लिए क्या कुछ प्लान है आपके पास, क्योंकि उनकी उम्मीदें ज्यादा है? सबसे पहले वहाँ पे हम सफाई व्यवस्था, नाली रोड का जो भी है, जो पेंशन है, जो वंचित है, उन लोगों को हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। जनता अगर आपको मौका देती है तो किस तरह का सबसे सबसे पहले तो घोटाला मुक्त करेंगे, क्योंकि 15 सालों से जो आया घोटाला ही किया है। अच्छा, तो 15 साल में जो आया है सुभाष जी, सब यही कहे कि घोटाला मुक्त करेंगे, लेकिन होता नहीं है एकदम। इस बार अब ऐसा चुनाव हो रहा है कि जनता नगर सभापति का, इसके पहले तो आपने कभी आवाज नहीं उठाया, आज चुनाव लड़ रहे हैं तो आवाज उठा रहे हैं। बहुत बार आवाज उठाए हैं हमने। अच्छा, अभी हम लोग पटना नगर विकास गए लिख करके, जहां अभी हम लोग 16 बबलू चौहान ने 16 घोटाला किए 13 करोड़ का, उसमें हम खुद लिखित डीएम को लिख करके दिए कि इतना पैसा का घोटाला है। मैदान में दागी लोग हैं, उसकी कोर खोलेंगे एकदम खोलेंगे। कौन-कौन घोटाला किया, कितना घोटाला किया, टोटल हम आपको लिस्ट लेकर के अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। अभी मतलब बताइएगा कि दो लोग आप नाम बता रहे हैं जो लोग बन चुके हैं, वो लोग कितने के घोटाला किए? 13 करोड़ का बबलू चौहान किए, जो 16 घोटाला डस्टबिन घोटाला, इसका हम लोग खुद जा करके, हम संजय श्रीवास्तव, जयप्रकाश गुप्ता, डीएम साहब को भी कंप्लेन किए थे कि इतने के घोटाला, जमीन घोटाला आप ही के पार्टी के एक चेयरमैन पे लगा हुआ है। उसको घोटाला हम लोग अभी नहीं मानते हैं, क्योंकि विवाद है जमीन पे। तो अच्छा ठीक है, अनुराधा गुप्ता पे क्या घोटालाबाजी का आरोप लगा? अनुराधा गुप्ता का घोटाला का हम डिटेल टोटल अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे देंगे। जनता एक मौका देंगी तो हम कराएंगे विकास। क्या अपील करेंगे सीमांत की जनता से? यही अपील करेंगे कि हमको जीता है, जो जो कमियां है वो पूरा करेंगे। क्या बहुत सारे कमियां है, वो है ना।